रक्सौल काठमाडौँ रेल ल्याउन 3,20,00,000,000 लाग्ने। फाइनल सर्वे सकियो, 6 महिना भित्र प्रतिवेदन तयार पारे। तो वेलकम बैक टू फाथान रिएक्शन। आज हम नेपाल के रिलेटेड एक न्यूज के ऊपर रिएक्शन देने वाले कि नेपाल के अंदर एक लग्जरी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। नेपाल के अंदर वैसे तो ट्रेन नहीं चलती, बट एक लग्जरी ट्रेन स्टार्ट करने का एक मुआहदा हुआ है नेपाल के अंदर कि लग्जरी ट्रेन नेपाल के अंदर चलेगी। आज हम इसके टॉपिक के ऊपर रिएक्शन देंगे, फिर आपके साथ रिएक्शन शेयर करते हैं अपना। रक्सौल काठमाडौँ रेल ल्याउन 3,20,00,000,000,000 लाग्ने। फाइनल सर्वे सकियो, 6 महिना भित्र प्रतिवेदन तयार पारिने। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ समतल अनलाइन टिभी। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै लागौँ आजको भिडियो सामग्रीतर्फ। काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्ग निर्माण गर्न 3,20,00,000,000,000 लाग्ने भएको छ। 2076 गरिएको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार भने लागत अनुमान 3,00,000,000,000 रुपियाँ भएको थियो। अहिले विस्तृत अध्ययन मार्फत सबै संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्च सहितको अनुमान लागत निकालिएको हो। 2078 असोज 22 नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारी बीच भएको समझदारी पत्र AMOU अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको थियो। रेल विभागका महानिर्देशक रोहित विश्वरालका अनुसार फिल्ड सर्वे सकिएको छ। फिल्ड सर्वे र रिपोर्ट तयार पार्न 18 महिनाको समय दिएको हो। उनले भने फिल्ड सर्वे सकियो, अब 6 महिना भित्र रिपोर्ट तयार पार्छौ। भारतको कोकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले यसको अध्ययन गरेका हुन्। रिपोर्ट लेख्न सुरु भएको छ, त्यसमा सहजीकरण विभागले गरेको छ। उनले भने सर्वेको काम भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भएको हो। अन्तिम अध्ययन अनुसार रेलमार्गको दूरी 140 किलोमिटर हुनेछ। यो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR बराबरकै अध्ययन हो, यसैका आधारमा निर्माणमा जान सकिनेछ। विश्वरालले भने लागत र दूरीमा भने रिपोर्ट तयार पार्दासम्म तलमाथि हुन सक्छ। 2076 भदौमा रेलमार्ग पूर्व सभ्यता अध्ययन गरिएको थियो। काठमाडौँमा 2075 भदौमा बिमस्टेकको 4th शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदीले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। कोकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा 8 महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार रेलमार्गको दूरी 136 किलोमिटर हुने उल्लेख थियो। अध्ययन अनुसार रेलमार्गका लागि सुरुङ र विशेष खालका पुल समेत निर्माण गरिनेछ। यस क्रममा 32 सुरुङ निर्माण गरिनेछ। सबैभन्दा लामो 8.16 किलोमिटर सुरुङ बन्नेछ। सुरुङ मात्र करिब 42 किलोमिटर निर्माण गरिनेछ। विशेष प्रकृतिका 24 ठुला 124 र सामान्य 125 पुल बनेछन्। त्यस्तै 12 स्टेसन निर्माण गरिनेछ। अहिले वीरगञ्जको रक्सौल स्थित सुक्खा बन्दरगाह डाइपोर्ट सम्म रेल चल्छ। उक्त स्थानबाट काठमाडौँलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्न लागेको हो। रक्सौलबाट काठमाडौँको किर्तिपुरसम्म रेल निर्माण गरिनेछ। यसले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि जोड्नेछ। महानिर्देशक विश्वरालले भने यसको फाइनल रिपोर्ट तयार भएपछि निर्माणमा कति समय लाग्ने निस्कनेछ। उनका अनुसार रिपोर्ट तयार भएपछि कसरी निर्माणमा जाने भन्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। त्यस्तै काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको 6 महिना बित्दा अझै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। चैतमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारी बीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस्तै गत साउनमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणको बेला विशेष सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन चीनले प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसपछि प्रगति नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। उक्त रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन 2075 मङ्सिरमा भएको थियो। 2076 असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने बारे सहमति भएको थियो। उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्ने बारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए। यसबारे पटक पटक छलफल र सहमति भए पनि अध्ययन अगाडि बढ्न सकेको छैन। रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्म 72 किलोमिटर दूरी रहने रेलमार्गमा 98% पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ। यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्नेछ। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार प्रति किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्न अनुमानित 3,70,00,000,000,000 रुपियाँ लाग्ने उल्लेख छ। यस अनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न 2,71,36,80,00,000,000 रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
काफी कम लोग होने के बावजूद नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि उतने कम लोग है, तकरीबन 3 करोड़ से 4 करोड़ की आबादी है नेपाल की टोटल पॉपुलेशन देखा जाए। जहाँ पे मैं कराची सिटी में रह रहा हूँ पाकिस्तान का, तो इस सिटी के अंदर ही तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग रहते हैं। सो यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन निजाम इतना बेहतर नहीं है, बट वो पूरी कंट्री के अंदर 3-4 करोड़ आबादी है, पीपल है, पॉपुलेशन है। सो नेपाल गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी कंट्री छोटी है, बट हम कोशिश करेंगे कि अपनी कंट्री के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत मुहैया करें, ज्यादा से ज्यादा उनको तकलीफें उनकी दूर करें, उनको ज्यादा अच्छी तरीके से पेश आए अपनी उनकी कंट्री, इस तरह के वो पूरी दुनिया में उनका नाम रहे। नेपाल एक छोटा कंट्री है, आपको सबको पता है कि इनकी कितनी आबादी नहीं है, उनके कोई इतना समंदर नहीं है कि वो किसी के साथ अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाए, वो एक लैंडलॉक कंट्री है, और इन दो के अलावा इनके पास किसी का बॉर्डर नहीं है। देखा जाए तो इंडिया का 3 साइड बॉर्डर है और चाइना का 1 साइड बॉर्डर है, 3 साइड से तो ये इंडिया से घिरा हुआ है और 1 साइड चाइना है। तो ये कोशिश यही करेगा कि यार मैं इंडिया और चाइना के साथ दोनों के साथ ताल्लुकात बेहतर करूं और अपनी ट्रेड ज्यादा करूं, और ट्रेड ज्यादा होने के बाद जब कंट्री के अंदर पेमेंट आएगी, पैसे आएंगे, तो वो अपनी कंट्री के ऊपर लगाएंगे और ये लग्जरी ट्रेन सर्विस नेपाल के अंदर स्टार्ट होगा। इस न्यूज को देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने बोला आपके साथ शेयर करूं कि नेपाल के अंदर एक लग्जरी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है और इसको देखा जाए तो एक मेगा प्रोजेक्ट है। मैंने आज तक नहीं सुना, तकरीबन 3 सालों में मैं नेपाल के रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं, मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि नेपाल के अंदर मेट्रो ट्रैक है, मेट्रो ट्रेन या मेट्रो बस वगैरह है भी या नहीं। ये आप मुझे लाजमी बताइए, अगर इस तरह कोई है तो हम इसके ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शन देंगे। मेरे नजदीक की लग्जरी ट्रेन और की जगह एक ये भी ऑप्शन था कि आप मेट्रो ट्रेन वगैरह स्टार्ट करके सिटी के अंदर, काठमांडू सिटी के अंदर बेहतर पॉपुलेशन को ले बेटर ट्रांसपोर्टर या बेटर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर सकते थे। खैर, एक लग्जरी ट्रेन है काठमांडू से स्टार्ट होगी, कहां जाएगी आप अगली वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो।